हाय एवरीवन, डिपार्टमेंट ने 22 जुलाई 2021 को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस पब्लिश किया है आप लोगों के लिए। चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में बिहार पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस है। देख लेते हैं नोटिस में क्या बोल रहा है। विषय बोल रहा है डिप्लोमा सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो है, थर्ड सेमेस्टर एली हों या फिफ्थ सेमेस्टर एली हों या फोर्थ सेमेस्टर जो रेगुलर वाले हों या फिर सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हों जिनका कंटिन्यूस अभी चल रहा है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रनिंग पीरियड में है या फिर इनमें से किन्हीं एक का बैकलॉग है, जैसे फिफ्थ एली है या फिर फिफ्थ बैकलॉग है, थर्ड एली है या थर्ड बैकलॉग है, तो उनका एग्ज़ाम यहाँ पर होने का चांसेस कुछ बताया गया है। वो बोल रहा है कि सितंबर 2021 में आयोजन के संबंध में, मतलब उनका एग्ज़ाम जो है सितंबर 2021 में आयोजन होने की चांसेस है। तो देख लेते हैं अंदर में कर्म क्या है, नीचे में डिटेल क्या है। तो लिखा हुआ है सभी सेमेस्टर के डिप्लोमा परीक्षा दिनांक 20 सितंबर 2021 से ऑफलाइन मोड में संभावित है। मतलब जो चांसेस है एग्ज़ाम होने का वो 20 सितंबर 2021 से होने के चांसेस है। बिकॉज़ अभी चांसेस बोला जा रहा है, संभावित बोला जा रहा है, बिकॉज़ आगे का कंडीशन किसी को पता है नहीं कि क्या कंडीशन होने वाला है। हो सकता है कि कंडीशन सही रहे, तो जैसा अभी चल रहा है अगर वैसा रहे, ऑफलाइन मोड में जैसे अभी क्लासेस शुरू हो गई है आप लोगों की, अगर वैसा कंडीशन होगा तो एग्ज़ाम तो आपका डेफिनेटली 20 सितंबर को हो जाएगा, 20 सितंबर से स्टार्ट शुरू हो जाएगी, 20 सितंबर से शुरू हो जाएगी वो। बट अगर कंडीशन सीवियर होता है, थोड़ा सा कंडीशन अगर क्रिटिकल होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कब सेकेंड वेव आ गया था, उस टाइम हो गया था कंडीशन सीवियर, हो सकता है आगे भी कंडीशन वैसा ना हो, बट अगर हो गया तो फिर वहाँ पर डेट में चेंजेस हो सकते हैं। बट अभी इसलिए संभावित बताया गया है, संभावित 20 सितंबर 2021 से ऑफलाइन मोड में होने के चांसेस है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा, जो विस्तृत कार्यक्रम है बाद में बताया जाएगा, मतलब जो बाद में नोटिस आएगा उसमें आपको रूटीन के बारे में बता दिया जाएगा। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो वहाँ पर रूटीन आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, कब फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, कब थर्ड सेमेस्टर का होगा, कब फिफ्थ का होगा, कब फोर्थ का होगा, कब सिक्स्थ का होगा, इस टाइप से वहाँ पर फाइनल डिटेल आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर डेट आपको लगभग बता दिया गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है, इस पर आपको ध्यान देना है। बिकॉज जुलाई अबाउट आई थिंक 22 जुलाई हो गया है, तो वन वीक इधर है आपके पास। इसको अगर जुलाई को हम लोग साइड करते हैं, अगस्त काउंट करते हैं और सितंबर काउंट करते हैं, तो अगस्त में 31 डेज होता है, 31 डेज हो गया, और सितंबर में 19 डेज, तो इसका मतलब लगभग अबाउट 50 डेज। और जुलाई का कुछ अगर आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज 50 डेज आप काउंट कीजिए, बिकॉज हो सकता है कुछ और भी चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट हो, प्रैक्टिकल लिखने में या कुछ और चीज़ों में, तो 50 डेज मानते हैं, 50 डेज आपके पास है। और हर एक सेमेस्टर में आई थिंक 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 10 डेज आपको ध्यान देना है। ईजिली हो सकता है, बट आपको स्टार्ट अभी से ही करना होगा और फोकस सेट करना होगा कितने दिन में क्या सब्जेक्ट करना है। तो आप लोग शुरू कर लीजिए अपनी स्टडी, अगर आपका स्टडी बंद था तो उसको शुरू कर लेते हैं, और करके जो भी चीज़ें आपको डाउट है वो आप अपने फैकल्टी से या फिर ऑनलाइन मोड जहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं वहाँ से लेकर क्लियर कीजिए और स्टडी शुरू कीजिए, अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है, फोकस करना है और एग्ज़ाम को टारगेट लेते हुए आगे काम करना है। इससे रिलेटेड कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करूँगा, इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा वो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।